मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी जहां चौथी बार सत्ता पर काबिज होने की कोशिश में है, तो कांग्रेस 15 सालों के वनवास को खत्म करने की तैयारी में। दोनों दल वोटरों को लुभाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हैं। रणनीतियां बनाकर मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी जहां अपने कार्यों को गिन रही है, वही कांग्रेस सरकार की नाकामियों को दिखा रही है। लेकिन इस बीच एक सर्वे के नतीजे ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। इंडिया टीवी और CNX की ओर से कराए गए सर्वे के मुताबिक प्रदेश में जातीय गोलबंदी से बीजेपी सहम गई है। दलित, आदिवासी और मुस्लिम जहां कांग्रेस के पक्ष में गोलबंद होते दिख रहे हैं, वहीं सवर्णों का भाजपा से मोह भंग होता दिख रहा है। प्रदेश में सवर्ण समाज के वोटरों की हिस्सेदारी 22% है। SC/ST एक्ट पर लाए गए अध्यादेश के बाद सवर्ण वोटरों में बीजेपी के प्रति आक्रोश है। इसके बावजूद सवर्ण समाज का एक बड़ा वर्ग का झुकाव बीजेपी की ओर है। मुसलमान वोटर्स की कुल हिस्सेदारी 7-8% में है, जिसमें से 62% कांग्रेस, 6% बीजेपी, 3% BSP और 13% अन्य की तरफ जाते दिख रहे हैं। राज्य में सबसे ज्यादा OBC समुदाय के वोटर्स हैं, जिनकी कुल हिस्सेदारी 55% है। OBC के कुल वोटर्स में से 50% वोटर्स बीजेपी की ओर और 32% कांग्रेस की ओर, 8% BSP की और 10% अन्य की ओर जाते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।